हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज निशा और हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8 का चैप्टर 6। तो चैप्टर 6 तक हम पहुंच गए हैं और ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने करा दिया है, 3 पार्ट में आएगा वीडियो। तो बुनकर, लोहे बनाने वाले और फैक्ट्री मालिकों के बारे में हम पढ़ रहे थे। लास्ट हमने छोड़ा था इसे यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ा, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। 18वीं सदी की बात है, भारतीय कपड़ों का बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड डिमांड था और यूरोप में सारे भारतीय कपड़े जा रहे थे, जिससे वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन जो थी वो ख़राब हो रही थी। इसीलिए क्या हुआ कि वहाँ के जो ऊन और रेशम निर्माता है, उन्होंने कह दिया कि आयात अब बंद हो जाएगा, भारत से कपड़े लाने का जो आयात है वो बंद कीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ की इंडस्ट्री जो हो रही है वो ख़राब हो रही है। तो 720 में ब्रिटिश सरकार ने ये स्टेप उठाया और छीट के कपड़े बिल्कुल से बैन कर दिए। अभी हम लोग का रिसेंटली आपको याद होगा, थोड़ा सा हम प्रीवियस चलते हैं, तो हमें याद होगा कि वो जो बॉयकॉट चाइना वाला इंसिडेंट था, तो स्वदेशी होने का उस टाइम बहुत ज़्यादा कि गो लोकल वोकल ये वाला सब टर्म हमें सुनने मिला था। तो जितना हम लोकल और आसपास की इंडस्ट्री को बढ़ावा देंगे और वहाँ की चीज़ों को कंजप्शन करेंगे, तो क्या होगा कि मतलब क्या होता है ना कि एक धरातल से चीज़ें उठती हैं, ऊपर उठेंगी, खराब नहीं होंगे, डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, अपना लोकल डेवलपमेंट होगा। तो यही चीज़ें हो रही थी। संयोगवश इस कानून का मतलब कानून को पारित किया गया और इसे क्या कहा गया, तो कैलिको, क्योंकि कैलिको टर्म हमने पढ़ा था पार्ट 1 में कि कैलिको किसे कहा गया, तो भारत से आने वाले कालीकट बंदरगाह से जो वस्त्र आते थे उसको कैलिको कहा जाता था, इसीलिए कैलिको अधिनियम का जाना जाने लगा। उसके बाद क्या हुआ कि इंग्लैंड में नए नए कारखाने खुले, ठीक है, कारखाने खुले। उसके बाद अंग्रेज कपड़ा उत्पादन जो था वो अपने भारतीय कपड़ों को कहाँ से उत्पादन करने लगा था, तो खुद ही इंग्लैंड में उत्पादन करने लगा था। सरकारी संरक्षण के तहत उन्हें विकसित किया गया और सफ़ेद मलमल या बिना माड़ वाले भारतीय कपड़े को या इंग्लैंड में ही भारतीय डिज़ाइन छापने लगे। मतलब यहाँ से प्लेन कपड़ा लेकर जाते थे या फिर जो मटीरियल होता था कच्चा माल, जैसे कॉटन हुआ, ठीक है, तो कॉटन को ले जाते थे और वहीं पर ये मशीनों के थ्रू क्या होता था, कपड़ा बनाने लगे थे। भारत उसे कपड़ा खरीदते नहीं थे क्योंकि यहाँ की चीज़ें A1 है, ठीक है, कॉटन तो ये उपजा नहीं सकते, तो क्या हुआ कच्चा माल लेके जाएंगे और फिर प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। तो ये जो सारे आप टर्म्स सुन रहे हो ना, ये आपके इकोनॉमिक्स में इन फ्यूचर आप जब इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट आपका होगा तब आपको पता चलेगा ये सारे टर्म जो नॉर्मली हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। भारतीय कपड़ों के साथ इस होड़ की वजह से इंग्लैंड तकनीकी सुधार जरूरत थी, कि कितना भी अच्छा कर रहे थे लेकिन अभी तक भी वो भारत से कम्पीट नहीं कर पा रहे थे। तो अब लगा उन्हें कि नहीं नहीं कुछ तकनीक मतलब हमें सही करना होगा। तो क्या होता है कि 1764 में जॉन के स्पिंग जैनी ने आविष्कार किया और ये परंपरागत तालिका, मतलब जो पहले से जो ऑर्डर मिल रहे थे, जो लोग इस उत्पादन कर रहे थे, ये और भी ज़्यादा बढ़ गया। फिर 1786 का समय आता है, तो रिचर्ड आकराइट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया। तो बहुत तेज़ी से अब क्या हुआ कि क्रांति आ गई बुनाई में, अब मशीनों के द्वारा क्रांति होने लगी। जैसे आज भी हमारे यहाँ पे क्या होता है ना कि अगर मान लीजिए बैंकों में देख लीजिए, तो बहुत सारी चीज़ें मशीन आ गई हैं, तो जहाँ पर 10 लोगों की काम करने की एफिशिएंसी है, वो अकेला एक मशीन या दो मशीन कर लेता है, तो क्या होता है कि वो लोगों के काम छिन गए। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर भी हो रहा है, ठीक है। तो एक तरफ से टेक्नोलॉजी अच्छी भी है और एक तरफ से बुरी भी। तो देखते हैं, अब बहुत सारा कपड़ा जो था बेहद कम कीमतों में तैयार होने लगा था, क्योंकि वहाँ पर तो लोगों की मेहनत नहीं लगने वाली, हाथ से कोई चीज़ तैयार होगा, एक हाथ की एफिशिएंसी और एक मशीन की एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता बराबर कभी भी नहीं हो सकता, और इनके सस्ता भी पड़ता था। लोगों का बनाया हुआ जो भारत का सामान था वो थोड़ा महंगा भी पड़ता था। इसके बाद टैक्स वैक्स तो अलग से, क्योंकि वो यूरोप जाता था तो वहाँ की सरकारें टैक्स लगाती थी, ठीक है। तो इसके बावजूद दुनिया के बाजारों में भारतीय कपड़ों का दबदबा 18वीं सदी के आखिर तक बना रहा, लेकिन डच, फ्रेंच, ब्रिटिश तथा अन्य यूरोपियों ने बहुत पैसा कमाया, क्योंकि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी, देखिए एक बात को समझिए, इंग्लैंड का है तो इंग्लैंड के लोकल चीज़ों पे क्या प्रभाव पड़ा है, ये ईस्ट इंडिया को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बिजनेस पर्सपेक्टिव से आया था, तो उसको था कि जितना आयात होगा, यहाँ से चीज़ें जाएंगी, भारत से चीज़ें इंग्लैंड जाएंगी, उतना इनको ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि वही इनके इनकम का सोर्स था। तो पहले पहले तो ये चांदी देते थे और उसके बदले सूती वस्त्र ले जाते थे, तो चीज़ें इक्वल होती थी कि कुछ दे रहे हैं उसके बदले हमसे कुछ ले रहे हैं, तो हमारे भारत की भी इकोनॉमी सही थी। लेकिन नहीं,
क्या होता है कि 1757 की क्रांति, 1757 में क्या होता है, क्रांति नहीं सॉरी प्लासी का युद्ध होता है, तो बंगाल को टेक ओवर कर लिया किसने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अब भैया यहाँ से टैक्सेस मिलने लगे इनको, तो यहीं के टैक्सेस मान लीजिए कर वसूल रहे, एक जगह है वहाँ से कर वसूल रहे हैं। अब कर वसूली कर रहे हैं तो वो पैसा कहाँ का है, भारतीयों का है। अब सोने चांदी लाना बंद कर दिया उन्होंने, अब बोला हम इन्वेस्टमेंट जीरो इन्वेस्टमेंट में काम करेंगे, क्योंकि इन्होंने लड़ाई करके अधिकार किया था तो सारे टैक्सेस इनके पास आते थे, और इन्हीं टैक्सेस के पैसों से उन्होंने क्या किया कि कपड़े खरीदने लगे थे, जो मटेरियल था वो खरीदने लगे थे। तो इस तरीके से क्या हुआ कि अब जीरो इन्वेस्टमेंट और फायदा ही फायदा चीजों पे, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें हो रही थी। उसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ही किसानों और जमींदारों के राजस्व इकट्ठा करके वो कपड़ा खरीदने लगा था। यहाँ पर हम एक मैप देखेंगे, जहाँ पर यहाँ देखिए, जब भी आप मैप को समझने की कोशिश करें, अगर आप फर्स्ट टाइम मैप देख रहे हो तो यहाँ पे देखिए, यहाँ कुछ सिंबल दिया गया, इस सिंबल के हिसाब से जो स्टार जहाँ होगा वहाँ पर सफेद कपड़े, जहाँ पर इस तरीके का सिंबल होगा वहाँ पर चेक और धारीदार कपड़े की बुनाई होती थी, ठीक है। तो यहाँ बुनकरों का, यहाँ पर सबसे ज्यादा बंगाल जो था वो फेमस था, ठीक है। ये बंगाल जो था, क्योंकि यहाँ पर समुद्री रास्ते बहुत ज़्यादा थे, और यहाँ पर जो बंगाल में जो कंपनी का पूरा से पूरा वर्चस्व था, कंट्रोल था, तो यहाँ पर ज़्यादा बुनकरों का या फिर कपड़ों का इंडस्ट्री था, ठीक है। तो आगे हम बढ़ेंगे, तो बुनकर कौन थे, अभी जो हम बुनकर टर्म यूज़ कर रहे हैं तो ये कहाँ से आया है, तो बुनने से आया है। बुनना मतलब किसी चीज़ को हाथों से या मशीनों से बुनना, तो उस टाइम मशीनें इस तरीके की नहीं थी हमारी, थोड़ी ओल्ड फैशन वाली। एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ, चरखा। आपने कितनों ने चरखा देखा है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि मैं तो बहुत खुशनसीब हूँ, मैंने देखा है लिटरली चरखे से किस तरीके से कॉटन से वो सूता धागा निकलता है, और घरों में नॉर्मली औरतें करती हैं, मैंने भी देखा है, ठीक है। तो चलिए इसको अच्छे से पढ़ते हैं कि बुनकर कौन थे। बुनकर समुदाय जो होता था वो कारीगर होते थे, वो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने हुनर को क्या करते थे, पास आउट करते थे, अपने बच्चों को भी वही सिखाते थे, और उनके बच्चे फिर इसी प्रोफेशन में जुड़ जाते थे, ठीक है। आमतौर पे सारे प्रोफेशन इसी तरीके के होते थे, जो मम्मी पापा करते हैं वही बच्चे भी करने लगते थे, ठीक है। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोग पाए जाते हैं, जैसे बंगाल में ताती, मैं बंगाल से हूँ तो बहुत सारे लोगों का ताती सरनेम भी है, मैंने ये चीज़ गौर किया, ठीक है। तो उत्तर भारत में जुल्हे तथा मोमिन, दक्षिण भारत के साले और कैकोलर देवांग समुदाय बुनकर के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे, ये लोग होते थे जो बुनकर का काम किया करते थे। सूत काटना, कपड़ा उत्पादन करना सबसे पहला चरण होता था, तो सूता निकालना, ठीक है, एक कपड़ा पहले कॉटन होता था, फिर उसमें से सूते धागे निकालना, फिर जाके उन धागों को डाई करना, उसके बाद उससे सिलना, तो ये आमतौर पर कौन करता था, तो ये महिलाएं करती थी। जैसा कि मैंने भी अपनी बड़ी मम्मी को देखा था, जब मैं गाँव गई थी तो देखा था चरखे पे वो वैसे सूते निकाल रही थी, तो मैं बहुत छोटी थी, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस। रंगीन कपड़ा जो बनाने वाले होते थे उन्हें क्या कहा जाता, तो रंगरेज नाम से बुलाया जाता था। और छपाई कपड़ा बनाने वाले बुनकर जो होते थे वो क्या करते थे, तो अलग अलग तरीके के माहिर थे वो कारीगर, छपाई के एक ठप्पे टाइप के होते थे, उसमें डिज़ाइन बने होते थे, और देन वो ठप्पा लगाकर वो डिज़ाइन बनाते थे, ठीक है। हथकरों पर होने वाली बुनाई और उससे जुड़े ये व्यवसायों को लाखों भारतीयों की रोजी रोटी थी, तो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था उस समय लोगों के लिए ये चीज़, ठीक है। एक इंडस्ट्री की बात की जा रही है, जहाँ कपड़ों का हम बात कर रहे हैं, जो बहुत बड़े पैमाने पर चला, और उसके बाद ये जीवनचर्या बन गया था, लोगों के इनकम का सोर्स बन गया था, लेकिन अचानक से क्या होता है, तो भारतीय कपड़ों का पतन हो जाता है। सोचिए, अचानक से इंडस्ट्री बंद हो गई, तो जो वहाँ के मजदूर है वो कैसा क्या करेंगे, तो खाने के लिए भी वो तरस जाते थे। यहाँ पर देखिएगा, हम यहाँ पर कुछ मेंशन किया गया है, हम भूखों मर जाएंगे, वो अपील करते हैं, ठीक है। क्या होता है, तो भारतीय कपड़े का पतन हो जाता है। ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग विकास से भारतीय कपड़ा उत्पादनों पर कई तरह के असर पड़े,
क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्री आ गई थी, वहाँ पर सारी चीज़ें आ गई थी, तो अब ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़ों से मुकाबला करना पड़ता था और वो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता था। और दूसरी बात ये थी कि भारत से इंग्लैंड को जो कपड़ा जाता था उसमें बहुत सारा भारी टैक्स लगा देता था ब्रिटिश सरकार, तो वो कहीं से भी इतना ज़्यादा महंगा होता था कि लोग जो होंगे लोकल वाले होंगे बोलेंगे भैया मशीन की डिज़ाइनें खरीद लेंगे, हाथ वाले नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महंगा है, ठीक है, एक सोने से भी ज़्यादा महंगा। तो दैट इज़ उनके पास, अगर आपके पास अदर ऑप्शन होता है तो हम क्या करते हैं कि हम डिस्काउंट की तरफ या फिर सस्ती चीज़ों की तरफ देखते हैं। तो वही चीज़ वो भी कर रहे थे। इंग्लैंड के बने सूती कपड़े 19वीं सदी के शुरुआत में भारतीय कपड़ों को अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप के परंपरागत बाजारों के बाहर कर दिया गया, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ कि भारतीय कपड़ों को निकाल दिया गया इन सब जगहों से जहाँ पर उनकी सप्लाईज होती थी। इसकी वजह से हमारे यहाँ के जो हजारों बुनकर थे वो उनकी हालत ख़राब हो गई, अब उनकी रोज़गार जो था वो छिन गया था। अब ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनियां भारतीय माल खरीदना बंद कर चुकी थी, अब उनकी ज़रूरतें पूरी हो जा रही थी और वर्ल्ड वाइड वो सप्लाई दे रहे थे। मतलब इतना बड़ा औद्योगिकरण आया था और वर्ल्ड वाइड चीज़ें हमसे लूट लिया, हमारे डिज़ाइन सीख लिए, सारी चीज़ें ले ली और उसके बाद हमारे हाथ में पकड़ा दिया कटोरा, कटोरा भी नहीं दिया, वो भी छीन लिया, ठीक है। तो उसके एजेंटों ने तयशुदा आपूर्ति के लिए बुनकरों की पेशगी देना बंद कर दिया। तो जो पेशगी एक होता था, एक नॉर्मल सा अमाउंट जो दिया जाता था, ठीक है, सैलरी टाइप का, वो भी देना बंद कर दिया। और परेशान जो बुनकर थे वो बहुत ज़्यादा मदद के लिए बार बार सरकार को कहते कि ठीक है हमें कोई काम दे दो, मतलब तो वो तो हमेशा से यही काम किए हैं ना, तो फिर वो दूसरी काम कैसे कर सकते। लेकिन असली दुर्दिन तो अभी आने वाली थी, मतलब अभी और भी ज़्यादा बुरा चीज़ आने वाला था। क्या? तो 1830 के दशक में भारतीय बाजार में जो बने हुए सूती के कपड़े थे, जो वहाँ पर बनते थे कपड़े, वो क्या हुआ कि दरअसल 1880 के दशक तक आते आते भारत लोग जितना सूती कपड़ा पहनते थे वो सारे कहाँ के थे, तो ब्रिटेन के थे। तो मतलब आप सोच रहे हैं वहाँ से बने हुए कपड़े अब भारतीय यूज़ करने लगे थे, ऐसी हालत हो गई, मतलब लोकल भी वो ख़राब हो गए क्योंकि भारतीयों को भी सस्ता मिलने लगा जो बाहर से चीज़ें आ रही थी, तो फिर वो अपनी जगह की चीज़ें ही नहीं खरीद रहे थे, ठीक है। तो ऐसा ही हो रहा था, जो लाखों ग्रामीण महिलाएं सूत कतकर ही अपनी आजीविका चला रही थी और उनसे उनका रोजगार छिन जाता है। तो एक देखिए, एक एग्जांपल मैं आप बोलती हूँ कि गो लोकल, क्योंकि लोकल इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, एक छोटे से हम लोग कंट्रीब्यूशन से कर सकते कि लोकल जगह से कपड़ा खरीदना या फिर लोगों लोकल जगह से चीज़ों को खरीदना ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, क्योंकि वो आम जनता का घर चल रहा है। आपके आसपास के लोग ही जो होते हैं वो आसपास की दुकानों को खोलते हैं, और वहाँ पर अगर आप उनके हेल्प नहीं करोगे, आप ऑनलाइन चीज़ें मंगा रहे हो या फिर मॉल से चीज़ें मंगा रहे हो, तो क्या होता है ना कि उनकी जो दुकान होगा वो बंद हो जाएगा किसी ना किसी दिन, क्योंकि उनका प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो गो लोकल ऑलवेज कोशिश कीजिए जहाँ तक हो सके। लेकिन भारत में हथकरघों, ठीक है, हाथ से जो चीज़ें बनाई जाती थी, जो वो बुनाई की जाती थी, वो मशीनें नहीं कंपीट कर पा रही थी, उस किस्म की चीज़ें मशीनें नहीं बना पा रही थी, वो बहुत ही ज़्यादा जटिल और मनभावन था, मन को भाने वाला, इन सब चीज़ों में वो कंपीट नहीं कर पा रहे थे। और भारत के कपड़ों में केवल रईसों के बीच ही नहीं बल्कि मध्य वर्गों के बीच जो काफ़ी मांग था ब्रिटेन में, वह मीलों में कपड़े नहीं बना पा रहे थे जो बेहद मोटे होते थे, जिसे खादी कहा जाता है, भारतीय गरीब उसे पहनते थे, ठीक है। तो इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। बाद में ये सौराष्ट्र जो राष्ट्रवाद का प्रतीक भी बनेगा, खादी, खादी जो गांधी जी लाते हैं ट्रेंड में बहुत ज़्यादा और उसको बढ़ावा देते हैं। तो आपने पश्चिमी भारत के सोलापुर और दक्षिण भारत का मदुरा जो होता है उसका जिक्र सुना होगा, जो महत्वपूर्ण बुनकरी केंद्रों के रूप में 19वीं सदी तक सामने आता है उभर कर। और जैसा कि मैंने बताया, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जो होते हैं वो बोलते हैं, आह्वान करते हैं कि बाहर से आई जो आयात की चीज़ें उसका बहिष्कार कीजिए, चाहे वो कितनी भी सस्ती क्यों ना हो, हमें अपने अपने आसपास जो मिलती है चीज़ें उसका उसको बढ़ावा देना चाहिए, तभी जाके ये सारी चीज़ें खत्म होगी, लोगों की से भूखमरी जाएगी, ठीक है। और हाथ से कते सूत, हाथ से बने कपड़े ही पहने,
यह इस तरह खादी राष्ट्रवाद का प्रतीक बन जाता है। 1931 में उसे राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे में चरखा जो होता है वो सिंबल बनता है, जो चरखा की बात मैंने की थी, जिससे सूत निकलता था, कॉटन से सूता निकलता था। आइए देखें कि आजीविका के साधन गांव चुके बुनकर और सूत कातने वाले का क्या हुआ, जो जिसकी पूरी पूरी आजीविका जो थी ये सूत कताई पर निर्भर कर रही थी। जब इंडस्ट्री खत्म हो गई तो उनका क्या हुआ, तो कुछ मजदूर बन गए, कुछ शहरों में जाकर नौकरी करने लगते हैं। अहमदाबाद, सोलापुर, नागपुर, कानपुर, इन सब शहरों में जाकर उन्हें नौकरी मिल जाती है। नेक्स्ट हम पॉइंट देखेंगे सूती कपड़ा मिलों का उदय। तो अब यहाँ पर भी मिलों का उदय होता है। भारत में पहली सूती कपड़ा का जो मिल था वो 1854 में बॉम्बे में स्थापित हुआ। इसे कताई मिल या कताई मिल थी, यहाँ पर सूत की कटाई होती थी। यहाँ पर आप जो पिक्चर देख रहे हैं वो उसी का उदाहरण है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले इधर देख लेते हैं, 19वीं सदी की शुरुआत में भारत से इंग्लैंड और चीन में होने वाले कच्चे कपास का निर्यात, क्योंकि मटेरियल चाहिए, ठीक है, आप उद्योग स्थापित कर लिए, मशीनें आपके पास आ गई, टेक्नोलॉजी आ गया, लेकिन भैया मटेरियल तो भारत का ही लेना होगा। यहाँ पे तो अब उद्योगों में तो मटेरियल पैदा नहीं हुआ, कच्चे माल यहीं से ले जाए जाते थे, क्योंकि और जो बम्बई होता था वो बंदरगाह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था। बम्बई पश्चिम भारत की काली मिट्टी वाली उस विशाल पट्टी के काफ़ी निकट था जहाँ कपास की खेती होती थी। तो कपास की खेती यहाँ पर A1 क्वालिटी की होती थी। और जब वहाँ सूती कपड़ा मिलों की स्थापना हुई तो उन्हें कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। तो मिल जहाँ पर माल मिल रहा है वहीं पर उन्हें क्या हो रहा है, तो वो कंपनी की स्थापना करें जिससे मजदूर भी मिलेंगे उनको। 1900 की बात है, 1900 आते आते बम्बई में 84 कपड़ा मिल हो गए। मतलब सोचिए, इतने बड़े डिमांड में चीज़ें हो रही थी कि 84 कपड़ों का मिल हो गया, मिलें स्थापित हो गई। पारसी गुजराती व्यवसायियों ने भी बहुत सारी मिलें खोली, स्थापित की, जिससे चीन के साथ व्यापार हुआ और उनका धंधा बहुत ही अच्छा खासा चला। इस दौरान दूसरे शहरों में भी ऐसे कई कारखाने खुले, जैसे अहमदाबाद में पहला कारखाना 1861 में खुला, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, औद्योगिकरण जो है, वो हमारे भारत तक आते जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सूती कपड़ा मिलों की बढ़ती संख्या के कारण मजदूरों की मांग भी बढ़ने लगी। जो गरीब थे, कष्टकार, दस्तकार, खेतीहारी, कामगार, कारखाने काम करने वाले, ये सब शहरों की तरफ चलने लगे, क्योंकि गाँव में बेरोजगारी थी तो सब कहाँ चलने लगे। ऐसे भी जब इंडस्ट्री बढ़ती है, जब औद्योगिक होता है, तो शहरीकरण होता है। शहरीकरण कहाँ से होगा, जब गांव से लोग शहरों की तरफ भागेंगे और वहां काम करेंगे, फिर वो शहरों की स्थापना होगी। चीजें ऐसे ही होती हैं और ऐसे ही चली आ रही है। यहाँ पर थोड़ा हम देख लेते हैं ये पिक्चर जो था, ये पिक्चर में कैसे दिखाया जा रहा है कि औरतें जो है ये कटाई कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सूत काटने का काम हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये टर्म देखिए, प्रगलन। प्रगलन क्या है, तो चट्टान या मिट्टी को बहुत ऊंची तापमान पर गर्म करके धातु तैयार करने या धातु से बनी चीज़ों को पिघलाने की प्रक्रिया को क्या कहा, कोई नई चीज़ बनाई जा सके। तो ये गलाकर और पिघलाकर नई चीज़ बनाई जा सके, उसे क्या कहा गया, प्रगलन कहा गया, ठीक है। ये टर्म वगैरह एग्जाम में बहुत आते हैं, इसलिए मैंने ये एक्सप्लेन किया। प्रारंभिक कुछ दशकों के दौरान भारतीय कपड़ा कारखानों को बहुत सारी समस्याओं को झेलना पड़ा, क्योंकि उनके पास सबसे पहला चैलेंज था ब्रिटेन के आए जो सस्ते कपड़े थे उनके साथ मुकाबला करना था। और ज़्यादातर क्या होता था कि सरकार जो होते थे आयाती वस्तुओं पर टैक्सेस लगा देते थे, कर लगा देते थे, जिससे क्या होता था कि शुल्क लगा देने के कारण अपने देश में औद्योगिकरण को बढ़ावा देती थी और वो अपने जो लोकल एरियाज़ के इंडस्ट्रीज़ है उनको बढ़ावा देती थी कि जो बाहर से आए हैं वो ज़्यादा प्रॉफिट ना कर पाए, टैक्सेस ज़्यादा पे करें जिससे हमें भी प्रॉफिट हो। तो इससे प्रतिस्पर्धा ही खत्म हो जाती थी और संबंधित नवजात उद्योग जो होते थे उन्हें संरक्षण मिलता था। जो वहाँ के लोकल उद्योग होते थे उन्हें सुरक्षित रखा जा सकता था इन सारे नियमों से, जो आज भी अप्लाई किया जाता है। नॉर्मली बाहर की चीज़ों पर टैक्स लगा के हमें महंगे दामों पर बेचा जाता है, परंतु औपनिवेशिक भारतीय सरकार
प्रकार स्थानीय उद्योग आमतौर पर इस तरह से सुरक्षा नहीं दी। लिहाजा भारत के औद्योगिक सूती वस्त्र उत्पादन पहली बड़ी लहर जो थी वो प्रथम विश्व युद्ध के समय दिखाई दी, और जब ब्रिटेन से आने वाले कपड़ों की मात्रा काफ़ी कम हो गई थी और सैनिक की ज़रूरत पूरा करने के लिए भारतीय कारखानों से कपड़े का उत्पादन बढ़ाने की मांग की गई थी। तो इस तरीके से चीज़ें हुई, ठीक है, और यहाँ पर मिलों की स्थापना हुई। अब टीपू सुल्तान की तलवार और वुड स्टील जो है ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट 3 में। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अब दिन में 2 बार वीडियो आएंगे, एक सुबह 8 बजे और जैसा कि आप लोग हमेशा से देखते हो, और अब 6 बजे भी वीडियोज आएंगे। तो आई होप मैं ये नया जो रूटीन है वो फॉलो कर सकूँ और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, अभी के लिए थैंक यू।